बस बस कैसा है साहिल? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? साहिल को अब तक होश नहीं आया। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। वो हमें बस एक्सीडेंट की न्यूज मिली तो आंटी जी को क्या हुआ है? साहिल के साथ ऐसा होगा किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। भाभी को गहरा सदमा पहुंचा है। बस साहिल को शायद क्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन कम होने के वजह से उनकी हालत बहुत खराब है, पर डोंट वरी, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके अनूप, अनूप होना चाहिए। मेरे साहिल को बचा लो। उसे कुछ नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे साहिल को कुछ नहीं हो सकता। माँ, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस साहिल को होश आ जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ क्या ठीक हो जाएगा? अनु क्या ठीक हो जाएगा? माँ डॉक्टर्स पूरी कोशिश। अनु हाथ मत लगाना, मुझे छूना मत। तुम नहीं, मेरे साहिल को इस आग में जलने के लिए भेजा था ना अनु? वजह से पहले मेरे पति, अब मेरे साहिल को भी छीनोगे मुझसे। मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा यहां से। उसे संभालने के लिए थोड़ा समय दो। बुआ ठीक कह रही है मानसी। शिवानी, ये सब क्या है? आंटी जी ऐसे क्यों? भैया, अभी इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, let's just hope कि साहिल जल्दी से ठीक हो जाए।
रैकेट तो। हाँ अनूप, यही तेरा गिफ्ट है, अच्छे से देख ले इसे। किसी ने तेरे पापा की जान ली, किसी ने तेरे पापा की जान ली है। हाथ मत लगाना मुझे, छूना मत। तुमने ही मेरे साहिल को इस आग में जलने के लिए भेजा था ना अनूप। तुम्हारी वजह से पहले मेरे पति, अब तेरे साहिल को भी छीनोगे मुझसे। मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जाओ यहाँ से। अनूप जी, साहिल को होश आ गया। वो खतरे से बाहर है, उन्हें आईसीयू से निकालकर स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, ज्यादा लोग नहीं, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। शिवानी, भाभी, आप लोग जाइए साहिल के पास। साहिल को इस आग में जलने के लिए भेजा था ना अनूप। तुम्हारी वजह से पहले मेरे पति, अब मेरे साहिल को भी छीनोगे मुझसे। मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जाओ यहां से। अनूप जी, चलिए ना अंदर। नहीं मानसी, तुम जाओ, तुम साहिल के पास रहो, उसका ख्याल रखो। प्लीज आप साथ चलिए ना। मानसी, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं इस बात को सुनो, साहिल के पास जाओ, उसका ख्याल रखो। मत कर। अनु, तुम घर में सबसे समझदार। बेटा, भाभी की बात का बुरा मत मानना, वो शौक में थी इसलिए इतना ज्यादा बोल गई। अनु, जिंदगी में कभी कभी इंसान अपने अतीत को भूल नहीं पाता है, और जब कभी कोई दुर्घटना उसी अतीत को याद दिलाती है तो वो कुछ ऐसा कह जाता है जिसका उसे हमेशा के लिए अफसोस रहता है। बेटा, भाभी की बात को दिल से मत लगा और चलो हमारे साथ। साहिल को अपने बड़े भाई की जरूरत है। आप रो मत शिवानी, तुम भी मॉम को समझाओ। मॉम, अगर आप रोगे ना तो यहाँ की सारी नर्सेस को लगेगा कि मैं छोटा बच्चा हूँ। मेरी रेपुटेशन का कुछ तो ध्यान रखो। साहिल, मेरे लिए तो बच्चे ही हो ना तुम। मेरी जान निकाल दी और अब मजाक कर रहे हो। अरे क्या बात है, सारा परिवार आ गया मुझे देखने। हाँ
कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, इसका मतलब है कि जरूर कोई सीरियस मैटर है। देखिए मैं देखता ऐसे हूं पर अंदर से हूं बहुत स्ट्रॉन्ग भाई। अच्छा आप बता ही दो कि मेरा कौन सा स्टेज है? स्टेज कौन सा स्टेज? अरे भाई आप सबके एक्सप्रेशन देख के तो यही लग रहा है कि जैसे मुझे कोई हार्ट अटैक या कैंसर की बीमारी हो गई है। अरे यार थोड़ा धुआं ही तो नहीं हुआ है। चुप कर साहिल, अब ज्यादा बकबक की ना तो तेरे डिस्चार्ज पेपर कैंसिल करा दूंगी, फिर बैठा रहना यहीं पर। बुआ जी इन्हें तो यही चाहिए, ये नर्सेस के साथ ना बहुत खुशी से रह लेंगे। अरे अरे आप सब लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा था ना कोई एक ही जन मिल सकता है पेशेंट से। चलिए अब पेशेंट को आराम करने दीजिए। साहिल अब तुम आराम करो। बेटा जैसे ही हमें तुम्हारी खबर मिली तो हम लोग तो घबरा ही गए थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर घबराहट दूर होगी, क्यों सुनीता? हाँ साहिल बेटा अब बस जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाओ। जी चले। हाँ। अब हम जल्दी मिलते हैं बेटा, तुम आराम करो। शिवानी थोड़े देर यहीं रुक जाओ। रहने दो मैं जाती हूँ। अच्छा सोच लो, इतनी सारी नर्सेस के बीच में अपने पति को अकेले छोड़ के जा रही हो। मजाक छोड़ो साहिल, तुमने फिर कभी ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें सच में छोड़ के चली जाऊंगी। एक तो इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया और तुम घर जल्दी भी नहीं आए। क्या तुमने हलवा बनाया था? अच्छा तभी मैं कहूं कि सारे लोग इतने चुपचाप क्यों थे, जरूर तुम्हारा हलवा खा के आए होंगे ना। हा हा वेरी फनी, उल्टा इतना अच्छा बना था कि सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तो अगली बार इस बंदे के लिए जरूर बनाना। ओके प्रॉमिस। फिर भी शिवी आज घर के सब लोग मुझे अपसेट लगे, कुछ बात है। छोटा एक्सीडेंट थोड़ी था, तुमने तो सबकी जान ही निकाल दी। नहीं शिवी सबको मालूम है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, पर तब भी सब एकदम चुपचाप है, स्पेशली अनूप भैया और मॉम। कुछ बात तो है शिवानी, कहीं मॉम और भाई में नहीं? नहीं एक्चुअली यू नो वो मैम प्लीज आप अभी तक यहाँ पर हो, अगर डॉक्टर को पता चला ना तो हमें डांट पड़ेगी। प्लीज जी सबको तुम्हारी बहुत टेंशन है, तुम रिलैक्स करो, मैं बाहर ही हूँ। ओके या सबको मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। ओके कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक हमें बुला लीजिएगा। चलें। शिवानी बेटा साहिल को क्या चाहिए क्या नहीं सबका अच्छी तरह से ख्याल रखना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो मानसी से पूछ लेना, वो तुझे गाइड कर देगी। हाँ अच्छा भैया जी। अच्छा
मानसी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। वैसे मैं ऑफिस से किसी को भिजवा रहा हूँ, कुछ भी चाहिए हो तो उसे बता देना। ओके भैया, इसकी क्या जरूरत है, यहाँ है ना सब लोग। मानसी आई इंसिस्ट, मुझे तसली रहेगी। ओके आज जो मैंने यहाँ देखा वो सबके सामने नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी तुम इन सब बातों से दूर रहना और सिर्फ अनूप जी का ख्याल रखना। भाभी कुछ समझी नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया, बाकी तुम देख लो। हम चलते हैं। ओके अच्छा हम लोग चलते हैं अब। मैं पेपर वर्क कंप्लीट कर देता हूं। मानसी, साहिल के कपड़े घर से आ गए हैं ना, चल उसके कमरे में रख देते हैं। आ जा। वैसे मानसी ने कभी इस घर के पास के बारे में कुछ बताया ही नहीं, वरना कोई माँ अपने बड़ी बेटे से ये सब बातें कैसे कह सकती है। राइट, उनके बीच जरूर कोई ना कोई टेंशन है जो आज अचानक सामने आ गई। एक्चुअली अब सोच रही हूँ तो याद आ रहा है, ये टेंशन अनूप और राजलक्ष्मी जी के बीच में हमेशा से ही थी। मैंने कभी उन दोनों को प्यार से बात करते हुए देखा ही नहीं, और वही साहिल और राजलक्ष्मी जी का रिलेशनशिप बिल्कुल अपोजिट है। पता नहीं क्या हुआ होगा एग्जैक्टली अनूप के पापा के साथ। मतलब मैं समझा नहीं। कुणाल, आज हमने जो देखा ना वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, सालों की दबी हुई बिटरनेस थी वो। आई जस्ट होप ये सब मानसी की मैरिड लाइफ को इफेक्ट ना करे। अरे नैना, माँ बेटे के पास से मानसी का क्या लेना देना। आप भी ना, बात माँ बेटे की नहीं है, बात मानसी के पति और उसके सास के बीच की है। मानसी को तो इफेक्ट करेगी ही ना। मे बी, लेकिन अब ये मानसी की पर्सनल लाइफ है और हमें उस घर के प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए। नैना, सबके पास में कुछ ना कुछ पेनफुल मेमोरीज तो होती हैं, और वो उन पेनफुल मेमोरीज से डील करना सीख लेते हैं। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। जो भी हो, लेकिन ये सब चीजें मानसी की लाइफ को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बस। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया है, अगले 2-3 दिनों में आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। नर्स, हर 4 घंटे में इनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना, और जरा भी एडवर्स रीडिंग हो तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। चलिए मर्स। हाँ लो, मतलब कि पार्टी ओवर। मुझे तो लगा था कि एटलीस्ट 1 महीने तक तो ऑफिस से छुट्टी। स्टॉप इट साहिल। मम्मी जी आप थक गई होंगी, आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं साहिल के पास रुकती हूँ। नहीं शिवानी, मैं साहिल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी जी मैं रुकती हूँ ना यहाँ, और अगर कुछ काम होगा तो मैं घर पे फोन कर दूंगी। मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही। शिवानी, मॉम नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ। जब कभी भी बीमार पड़ता था तो मॉम 1 सेकंड के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। हल्के से भी खरोच आती तो सारी रात नहीं सोती थी मॉम। और यहाँ तो मैं हॉस्पिटल में, है ना मॉम? ठीक है, तो फिर हम दोनों ही रुक जाते हैं। सॉरी मैम, पेशेंट के साथ 1 ही रिलेटिव अलाउड है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। मम्मी जी मैं सवेरे जल्दी आ जाऊंगी, फिर आप घर जाकर फ्रेश हो आना। ठीक है। भाभी, वो अनूप भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे?
इतनी जल्दी अपने भाई से पीछे नहीं छुड़ा सकते वो। तुम्हारी वजह से पहले मेरे पति, अब तेरे साहिल को भी छीनोगे मुझसे। मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जाओ यहाँ से। क्या होगा जब साहिल को पता चलेगा कि मम्मी जी और अनूप जी के बीच क्या हुआ?